की योजना बना रहे थे लोग, क्या है प्रोग्राम का? ये किन्नर समुदाय की छोटी किन्नर है, उसे उनकी हत्या की सुपारी दी गई थी सुपारी किलर्स को, और इस साजिश में तकरीबन 5 से 7 लोग शामिल थे। पूरा एक मकान का विवाद बताया जाता है प्रथम दृष्टिया कि इस मकान के 40 लाख के तकरीबन लागत का एक मकान की कीमत है। उस मकान के विवाद के चलते एक अभियुक्त ने 4 लाख रुपए सुपारी दी थी छोटी किन्नर की हत्या के लिए। तो तब से लगातार करेली और एसओजी की टीम हमारी सक्रिय थी। खबर मिलने के बाद से हम इन अभियुक्तों की अपराधियों की तलाश में थे, और इनमें से अभी 5 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त है जिसने सुपारी दी थी, 3 अभियुक्त वो हैं जिन्होंने सुपारी दी थी हत्या की, एक उसमें अभियुक्त ऐसा है जिसने रेकी करके हत्या की पूरी प्लानिंग करी थी और कहा था कहाँ कैसे हत्या होनी है। तो इन 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध असलहे, जिंदा कारतूस, बम और 6 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए। हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ, उन्होंने कबूल किया है। 2 अभियुक्त अभी इसमें वांछित है, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इसमें उनके ही 2 परिचित थे, एक किन्नर समुदाय से ही और एक अहमद नाम के व्यक्ति थे जिनके नाम से मकान था, क्योंकि मकान को वापस मांगा गया था छोटे किन्नर का, इसलिए तकरीबन 4 लाख की सुपारी दी गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो पुलिस ने गिरफ्तार किए, उन्होंने सुपारी दी थी हत्या के लिए। हत्या के पहले जो रेकी की जाती है वो रेकी भी कर ली गई थी, और हत्या की कहानी बस एग्जीक्यूट होने वाली थी, उसके पहले पुलिस को इस साजिश के बारे में मालूम पड़ा, और मौका रहते समय रहते हमने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 2 अभियुक्त अभी वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी।